अभी दो क्लासेस हो गई हैं, क्लास वन और क्लास टू, इसमें आप लोगों को बताया गया था फेसिंग ये सेकंड में, ठीक है, इसमें बताया गया आप लोगों को पहले कि कंप्यूटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है, ये चीज आप लोगों को बताया गया था कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, उसको शट डाउन कैसे करते हैं, एमएस पेंट की फाइल को कैसे ओपन करते हैं, ये चीज इसमें बताया गया। अभी इसमें क्या करना है, हम आपको टेक्निक बता रहे हैं इसके अंदर कि आपको पढ़ाना कैसे है, हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि हम आपको जैसे कि आपको पूरा बेसिक बताएंगे कि पेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं या लाइब्रेरी या वर्ड के अंदर क्या क्या होते हैं, हम इसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। मेन चीज आपका ये वीडियो है और इस वीडियो को आपको कंट्रोल करना है। आप सभी को ये मैनुअल मिला हुआ है, सबके पास मैनुअल है, जब आप क्लास में पढ़ाओगे ये आपके बहुत काम आने वाली है, इसी के लिए आपको बढ़ाना है। अभी तो आप लोग इसका यूज नहीं करें क्योंकि हम आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली बता रहे करना कैसे है। वीडियो चलेगा, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा, जहां पे क्वेश्चन आएगा आपको वहां पे वीडियो को रोकना है, कुछ नहीं करना है आपको, आपको लगा यहाँ पे क्वेश्चन है वीडियो को रोक दिया, बच्चों से आंसर करना है। हमने दो क्लासेस में यही किया, हमने क्लास वन और क्लास टू में थोड़ी बहुत जो उसकी डिटेलिंग थी वो आप लोगों को बताया गया। आपसे क्या होगा, अब आप लोग करोगे, ठीक है, मैं इस क्लास को आधा कराऊंगा कि कैसे थोड़ा सा रिपीट कर दूँ क्वेश्चन कैसे पूछना है क्या करना है, उसके बाद मैं आपको एक एक लोग को यहाँ पे बुलाऊंगा और सपोज करने की सभी आप स्टूडेंट्स हैं, आप इनके टीचर हो, जैसे आप अज्यूम करने की आप क्लास ले रहे हो, रियल क्लास जैसे ले रहे हो, वैसे आप अज्यूम करने की आप क्लास ले रहे हो, ये आपके स्टूडेंट है, जो चीजें इनको समझाने आप किस तरीके से इनको समझा सकते हो, आपके पास मैनुअल रहेगा और वीडियो रहेगा, ठीक है। अनिश से गई पिछली कक्षा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, क्या आप बता सकते हैं पिछली कक्षा में आपने क्या क्या सीखा था, क्या आप बता सकते हैं कि पावर, जैसे यहाँ पे पूछा गया आपने पिछली कक्षा में क्या क्या सीखा था, क्योंकि हमने दो क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप क्लास ले रहे होगे तो आपको वीडियो यहाँ पे रोकना है, वीडियो बेसिक इसके अंदर टाइमिंग नहीं दिया होगा, कई जगह क्या होगा कि आपको जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमने उसकी टाइमिंग लिखा होगा कि आपको वीडियो यहाँ पे रोकना है, ये क्वेश्चन पूछना है, लेकिन कई जगह क्या है कि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे वीडियो रोकना चाहिए, यहाँ से बच्चों से थोड़ी सी कम्युनिकेट करना चाहिए कि हाँ उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या सीखोगे या कुछ अलग से आपको कुछ बताना है, तो आप वीडियो को वहाँ पर रोक सकते हो, जरूरी नहीं कि जो इसके अंदर टाइमिंग दिया हुआ वही टाइमिंग आपको रोकना है, बाकी तो रोकना ही है लेकिन अलग से भी आप वीडियो को रोक सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे था कि आप इससे पहले अभी यहाँ पे लिखा हुआ है पावर बटन क्या होता है, लेकिन इससे पहले एक लाइन बोला गया था कि आप बता सकते हैं कि पिछली कक्षा में आपने क्या क्या सीखा,